नमस्कार, मैं हूं डीजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज पर। हाथरस गैंगरेप पीड़ित की देर रात अंतिम संस्कार को लेकर पुलिस पर उठ रहे सवालों के बीच एडीजी प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने दावा किया कि परिजनों की सहमति से ही पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि रात के अंधेरे में पीड़िता का चुपचाप अंतिम संस्कार को लेकर विरोध हो रहा है और इस मामले में पुलिस सवालों के घेरे में है। विपक्षी दल राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर है और यूपी में जंगल राज का आरोप लगा रही है। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा, पीड़िता की डेड बॉडी भी खराब हो रही थी, इसलिए घर के लोगों ने सहमति जताई थी कि रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया जाना उचित होगा। इसके अतिरिक्त अभी आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, उसमें जो भी तथ्य होंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। एडीजी ने कहा, इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए शासन ने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है जिसका नेतृत्व गृह सचिव भगवान स्वरूप कर रहे हैं। उनकी सहायता के लिए एक डीआईजी स्तर का अधिकारी और एक एसपी स्तर की महिला अधिकारी लगाई गई है ताकि अगर स्थानीय पुलिस के द्वारा कोई चूक हुई तो इस चीजों को अंकित करे। एडीजी ने कहा कि शासन की मंशा बालिकाओं और महिलाओं के खिलाफ अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की है। बता दें कि दिल्ली एम्स में मौत के बाद पीड़िता का शव मंगलवार देर रात हाथरस लाया गया था और पुलिस ने रात 2:30 बजे ही गुपचुप तरीके से पीड़िता का अंतिम संस्कार करा दिया। ग्रामीणों और परिजनों ने विरोध भी किया और एम्बुलेंस के आगे खड़े होकर शव वापस देने की गुहार भी लगाई, लेकिन उनकी एक ना सुनी हुई। इससे पहले हाथरस के डीएम ने भी कहा था कि परिवार की सहमति के बिना अंतिम सरकार के आरोप पूरी तरह से गलत है। पिता और भाई ने रात में ही अंतिम संस्कार के लिए सहमति दी थी। परिवार के सदस्य भी अंतिम संस्कार के वक्त मौजूद थे। पीड़िता का शव लाने वाली गाड़ी गांव में 12:45 से 2:30 बजे तक खड़ी रही थी। गैंगरेप की घटना को लेकर पुलिस पर पहले से ही लापरवाही से आरोप लग रहे थे, फिर देर रात पीड़िता का अंतिम संस्कार से पूरे देश में उबाल है। पूरे देश में जगह जगह घटना को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष ने सीएम योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे देने की गुहार लगाई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।